इम्तियाज़ साहब, आप किस हद तक जो है वो मुतमईन हैं इस एक्सप्लेनेशन से जो हलीम आदिल शेख साहब ने दी है? उन्होंने कहा जी ये तो अवाम की बात हो रही है, ऑब्वियसली अवाम ने जो है वो सोच लिया था कि लकीर जो है वो काटा लगा देना है जरदारी साहब पे और नवाज शरीफ साहब पे। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये नहीं कि पीपल्स पार्टी पे और PMLN पे, बल्कि जरदारी साहब पे और नवाज शरीफ साहब से, और ये भी अवाम ने जो है वो डिसाइड किया है। देखिए जी, मैं तो अभी क्या कह सकता हूँ इस बात पे, लेकिन अब जब जिस बात पे ख़ुद हमारे भाई हलीम आदिल शेख ख़ुद मुतमईन नहीं लग रहे, तो उस पर मैंने क्या मुतमईन होना, या आवाम ने क्या होना, या सुनने वालों ने क्या होना? क्योंकि जिस तरीके की उन्होंने बात की, तो उससे पहले जो मतलब शाह महमूद साहब बात कर रहे हैं, या मतलब जावेद हाशमी बात कर ली, या खुर्रम नवाज़ साहब ने बात की, या अपना और जो दो बाकी जो दोस्त थे मुख्तलिफ वक्तों में बात करते रहे इस बात पे, उंगली का इशारा और मतलब मुख्तलिफ चीज़ें होती रही हैं, तो उसमें तो कोई ढकी छुपी बात है ही नहीं ना। वो तो मतलब अब पूरा एक वाज़े हो गया है। और असद उमर का ये कहना कि मतलब हम दोबारा दूसरा इलेक्शन ख़रीदना नहीं पड़ेगा, अब वो पता नहीं उन्होंने क्या कीमत दे के ये वाला इलेक्शन ख़रीदा है, हमें तो नहीं पता, वो ख़ुद बेहतर बता सकते हैं। और फैसला साज कुवतें कहा है उन्होंने, कुवत नहीं कहा, कुवत होती तो फिर आवाम होता, ठीक है ना, चले फिर भी हम मान लेते बात हलीम आदिल शेख साहब की, लेकिन उन्होंने फैसला साज कुवतें कहा है, तो पता नहीं आवाम के साथ और कौन सी कुवतें थी, और कौन सी मतलब ऐसी अपना कोई फोर्स थी जो कि मतलब इनको पावर में इनको ले आई, या फिर वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को आउट करना चाहते हैं, या पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग को आउट करना चाहते हैं। देखिए जी, ये मतलब इलेक्शंस की बात थी, और ये मतलब खुली हकीकत थी।